Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update, and I'm back with another session in my job series and interview questions. And yes, today I have very interesting session for you in this series, that is interview questions. मैंने बहुत पहले एक वीडियो किया था इंटरव्यू सेशंस में, उसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया था इंटरव्यू क्वेश्चंस में, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ और बचा था. लेकिन आफ्टर दिस पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक, अब न्यू क्वेश्चंस कुछ अराइज हो रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बताने, क्योंकि इंटरव्यू में वो पूछे जा रहे हैं और आगे भी काफ़ी टाइम तक पूछे जाएंगे. बिकॉज जो अब लोग एंड जो भी एम्प्लॉयज़ स्विच ओवर कर रहे हैं या जहाँ भी इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं. क्यों? क्योंकि अभी ये 2020 जो गया है, उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं. द वे वी यूज़ टू सी द लाइफ, द वे वी यूज़ टू गो इन द इंटरव्यूज, वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस, वो एकदम मोल्ड हो चुके हैं, वो एकदम चेंज हो चुके हैं. नाउ वो 6, 7, 8, 10 क्वेश्चंस नहीं हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ है. सो उसी पे मैं आज बात करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है as these are new questions, कि मैं इसके बारे में बात करूँ. So let's get started. So जैसे कि मैंने interview questions आपको बहुत सारे दिए थे, 7-8 questions थे, उसी तरीके से जो pandemic के बाद आपसे पूछे जा रहे हैं questions, वो भी ऐसे ही कुछ 5-6 questions रहेंगे. तो हर question पे मैं एक different session लूँगी. आज first सबसे पहला session है, और एक question पे मैं बात करूँगी, उसका मैं purpose बताऊँगी कि why interviewer is asking this question, और आपको क्या approach ध्यान में रखकर इसको जवाब देना है. So first question is, what you have learned during this pandemic, during this COVID-19 and during these difficult times. Now, so now let's understand what is the purpose of this question. Why interviewer is so much interested that what you have learned during pandemic? आपने क्या सीखा उसमें interviewer क्यों interested है? Simple, वो आपको hire कर रहा है and वो आपका attitude जानना चाहता है. Yes, it was a positive attitude or a negative one. कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आए, उसे हम कैसे डील करते हैं और कैसे यूटिलाइज करते हैं. सो ये एक मेन पर्पस है. सो यू हैव टू आंसर इट विद अ प्रॉपर प्लानिंग. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लानिंग, तो इसका कोई भी आंसर ऐसा नहीं हो सकता कि राइट है या रॉन्ग है, बिकॉज ये सिचुएशन सबके लिए डिफरेंट थी. कोई कहीं बंधा हुआ था और कोई कहीं था. सो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हम ट्रैप हो गए थे और अचानक से पड़ गए थे. ये कोई ऐसी सिचुएशन तो थी नहीं कि हमने प्लान किया था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे घूमने. ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो एक साथ एकदम आई, और हम लोग सब उस चीज़ को ऐसे ही फॉलो करने लगे. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इवनिंग तक ऑफिस जा रहे थे और एक नोटिस आया कि कल से ऑफिस नहीं आना है. सो इस अकॉर्डिंग सबके लिए सिचुएशन डिफरेंट थी, बट कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं देना चाहूँगी जिससे आप इसे प्रॉपर आंसर कर सकते हैं कि इसके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा इसका आंसर देना. सो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहला डू है एंड वो डोंट भी है, वो क्या है? बी नॉर्मल अबाउट इट, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन थी जो कि वर्ल्ड वाइड थी. ये ऐसी सिचुएशन नहीं थी जो कि सिर्फ आपके साथ थी, या फिर ये एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन थी. आपको रहना है ये अंडरस्टैंड करके कि ये सबके साथ हुई और ये एक अचानक से सिचुएशन हुई. लेकिन आपको इसे एक्सेप्ट भी करना है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज ये सब जानते हैं कि स्टार्टिंग में सब लोग नॉर्मल नहीं थे इस चीज़ को लेकर. स्टार्टिंग में सबको पता भी नहीं था कि ये लॉकडाउन कब तक जाने वाला है और वर्किंग कैसे होगी. बाद में धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लग गई लेटर ऑन, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई. सो इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है? अबाउट योर एटीट्यूड, एंड दैट इंक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आपने क्या कुछ सीखा? क्वेश्चन था what you have learned during the pandemic and during that COVID, and आपकी journey कैसी रही basically COVID के time. So इसमें आप 2-3-4-5 बातें कर सकते हैं
वो जिस जिस पर जैसे जैसे सूट करे उसको आप चूज़ कर सकते हैं. फर्स्टली वॉट ऑल स्किल्स यू हैव लर्न. देखिए हम लोग सब घर में ही थे, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं करा, पूरे टाइम सोता रहा या पूरे टाइम टीवी देखता रहा. नहीं, हमने बहुत कुछ, बल्कि इनफैक्ट बहुत ऐसी चीज़ों पे हम गए हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे. हमने ऐसी बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं, चाहे वो घर की छोटी कलिनरी स्किल्स हों, चाहे कोई स्पेशल कुकिंग हो, चाहे वो घर का कोई शेल्फ मेंटेनेंस हो, कोई कबर्ड मेंटेनेंस हो, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था जस्ट बिकॉज हम बहुत बिजी थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. तो हम सब ने कुछ ना कुछ हटकर ऐसा करा है. सो हम उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है बिकॉज आप उस वक्त घर में थे और आप घर में कंट्रीब्यूशन कर सकते थे. सो अगर आप ये कहेंगे कि मैं सोता रहा और मैंने तो खूब टीवी देखा और मैंने बहुत मूवीज़ देखी ये देखा, सो ये एक ग्रोइंग पर्सन की क्वालिटीज़ नहीं है. जो कि ग्रो करना चाहता है लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी क्वालिटीज़ नहीं है. सो अवॉइड दैट. एंड उसके बाद आप क्या ऐड कर सकते हैं, अगर आपने कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लिया है या कोई भी ऑनलाइन लर्निंग की है. ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस बहुत सारे उस टाइम पर चले हैं और बहुत सारे लोगों ने लिए भी हैं. और अगर कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस नहीं लिए हैं आपने और सिर्फ कोई ऑनलाइन लर्निंग्स की हैं, लाइक अगर आपने किसी को फॉलो किया है और उसके वीडियोज़ देखे हैं जो कि आपके करियर के लिए यूज़फुल थे, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं. सेकंड इज़ आपने ऑनलाइन लर्निंग्स की हैं जो कि आपके करियर से रिलेटेड नहीं थी, स्टिल वो कहीं ना कहीं आपकी किसी एक्टिविटी से या आपकी किसी ना किसी स्किल को ऐड ऑन करने के लिए आपने की, आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं अगर वो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है तब भी. बिकॉज मैंने आपसे कहा कि वो जानना चाहता है आपका एटीट्यूड. जब सब कुछ इतना नेगेटिव था और हम बहुत बाइंडेड थे, उस समय आपने अपने आप को कैसे रखा और आप कितने पॉजिटिव थे कुछ आगे बढ़ने के लिए. सो ये एक बहुत अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं मेंशन करने के लिए. उसके बाद दो चीज़ें और आती हैं. अगर आप कहीं अपनी फैमिली से दूर स्टक थे, कहीं हॉस्टल में, कहीं पीजी में, किसी दूसरे स्टेट में, तो वहाँ आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया, हाउ यू हैव हैंडल्ड द थिंग्स, हाउ यू हैव हैंडल्ड योर सेल्फ, आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया, और अगर वहाँ पे और भी लोग थे तो उनके साथ आप लोगों ने कैसे मैनेज किया. ये भी एक चैलेंजिंग थिंग थी आप लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ सब कुछ बंद था और बाहर के देश में, बाहर की सॉरी स्टेट में या जगह पे आप थे, तो उसमें आपने चीज़ें कैसे की. सो इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हो सकती है. नाउ नेक्स्ट, एक और चीज़, अगर आप लोग बाहर थे, लाइक आप किसी फॉरेन कंट्री में थे या आप अब्रॉड थे, वहाँ से आने का जो ड्यूरेशन था, ऑब्वियसली फ़्लाइट्स वगैरह एकदम बंद हो गई थी, आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके का मैसिव हो जाएगा जिसमें आप आ जा नहीं पाएंगे, तो वहाँ भी आपने कैसे उस सिचुएशंस को हैंडल किया, वहाँ पे कैसे रहे तो वहाँ पे कैसे हैंडल किया, और जो ड्यूरेशन था जब आप यहाँ आए तो चीज़ें कैसे रहीं. सो इसको एक अच्छी दिशा देते हुए और पॉजिटिवली बात करते हुए आप इसे प्रॉपरली शेयर कर सकते हैं. बट स्टिल जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे रिएक्ट ना करें कि नहीं इस चीज़ का आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव चीज़ें ऐड ऑन इसमें करनी है, अपना जो आंसर है उसको इसी तरह से देना है, इसी तरह से प्रिपेयर करना है जिससे पता चले कि ये जो टाइम था आपने उसको भी यूटिलाइज करा है प्रॉपरली अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. सो दिस इज़ ऑल. एंड इफ यू थिंक कि मेरे से कुछ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. एंड इफ़ यू थिंक जो मैंने कहा है वो आपको अच्छा लगा है, सो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय गिविंग थम्स अप, बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कुड गेट माय अपडेट्स जब नए वीडियोस अपलोड हों. क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन था, इसके बाद पेंडेमिक के बाद के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस और भी आएंगे. ओके, सो आप अपडेटेड रहें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहें. सो
टाइम फॉर कॉन्टेस्ट नंबर 57 एंड आज बहुत इजी है. आज आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मेंशन करने हैं. यू जस्ट हैव टू मेंशन दैट मैंने इस टॉपिक, इस क्वेश्चन का पर्पस क्या बताया था. यस, मैंने ऊपर सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन, ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूअर क्यों पूछता है. सो बस उसका जो पर्पस है वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. राइट, सो नाउ इट्स टाइम फॉर वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे. टुडे इट्स 60th वोकैबुलरी वर्ड, दैट इज 60. यस, 59 वर्ड्स हैव ऑलरेडी बीन गॉन इन माई 59 प्रीवियस वीडियोज. आप उसमें चेक कर सकते हैं लास्ट 1 मिनट का, यू विल गेट देम. सो टूडेज वर्ड इज शैटर. शैटर मीन्स टूटना. यस, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली. इट्स सिनोनिम्स कुड बी स्मैश, ब्रेक, एक्सप्लोड. इट कैन बी बेटर यूज्ड इन सेंटेंस एज द हीट ऑफ द वॉटर कॉस्ट the glass to shatter. So happy watching. Thanks for visiting my channel. Stay happy, stay safe, and remain active on my channel. Bye bye.